हेलो गाइस, आज मैं आप लोग को दिखाने वाली हूँ एक्सटेंशन। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैंने नेल्स को निकाल के रख लिया है और ये रहा मेरे हाथों पे ग्लू लग रहा है। देख सकते हैं आप लोग, ये जो मैंने नेल ख़रीदा था उसके साथ में ही मुझे ये ग्लू मिला हुआ था और इसे मैं अपने हाथों पे अपने नेल्स पे अप्लाई कर रही हूँ। देख सकते हैं आप लोग, फ्रेंड्स मेरा पहला जो नेल है कंप्लीट हो चुका है। फ्रेंड्स मुझे ये, मैं बहुत दिनों से सोच रही थी मुझे ये ट्राई करना था फ्रेंड्स, क्योंकि जब हम लोग काम करते हैं पार्लर में तो हमारे जो नेल एक्सटेंशन होते हैं जैसे एक्रिल होता है, पॉलीजेल होता है, तो वो टिकता नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि हर वक्त हाथ जो रहता है पानी में ही रहता है। तो मैं बहुत दिनों से कुछ ऐसा ढूंढ रही थी जो कम से कम 4-5 घंटे तक मेरे हाथों में जो है टिका है नेल्स, उसके बाद अगर निकल भी जाए तो कोई बात ना हो। ठीक है, एक होता है ना स्पेशली ओकेज़न के लिए फ्रेंड्स, मैं कुछ वैसा ही चाहती थी और ये काफ़ी डिमांड में भी था। कुछ लोग बोल रहे थे कि हाँ दीदी इसका रिव्यू दीजिए, इसका रिव्यू दीजिए, तो मैंने कहा ठीक है, साथ में रिव्यू भी हो जाएगा और मुझे पर्सनली मुझे पता भी चल जाएगा क्या कि कुछ ऐसा हो भी सकता है कि हाँ बिना नेल एक्सटेंशन कराए कुछ ऐसे कम दामों में भी हो सकता है। फ्रेंड्स मैं आपको पहले ही बता दूँ, ये बहुत कम दाम का है फ्रेंड्स, ये मुझे कम से कम पड़ा था अराउंड 50 का फ्रेंड्स। ये मेरे पास में ही एक लोकल शॉप है, मैंने वहाँ से इसे परचेज़ किया था फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स मैं लिटरली बता रही हूँ, मुझे अपना हाथ बहुत सुंदर लग रहा है दोस्तों, क्योंकि मुझे शुरू से बहुत चाह थी कि हाँ मेरे जो नेल्स है वो थोड़े बड़े रहे। मेरे स्पेशली नेल्स बड़े ही नहीं होते, जैसे बड़े होते हैं टूट जाते हैं, और मैं एक्रिल का या पॉलीजेल का भी नहीं करा सकती क्योंकि मुझे पार्लर में काम करना रहता है, कभी कभी हाथ जो है मुझे गर्म पानी में भी देना रहता है तो जो मेरा नेल्स है वो निकल जाता है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये मेरे हाथों में नेल पेंट लग रहा है और लिटरली फ्रेंड्स मैं अंदर से बहुत एक्साइटेड हूँ अपने नेल्स को देख के। आप लोग देख सकते हैं काफ़ी खुशी हो रही है मुझे। आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स मेरा नेल कितना सुंदर लग रहा है और ये नेचुरल भी लग रहा है फ्रेंड्स, ये बिल्कुल नेचुरल लग रहा है। मैंने नेल्स पे, ये नेल्स को सेट करने से पहले मैंने हाथों में हल्की सी पुशिंग और बफर का यूज़ किया हुआ था जिससे हमारे जो नेल्स हैं काफ़ी अच्छे से स्टिक होंगे फ्रेंड्स। ठीक है, इसका ग्लू भी काफ़ी अच्छा था फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा इसका ग्लू था। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं मेरे नेल्स कितने ही प्यारे लग रहे हैं। मैंने ग्रीन कलर का चूज़ किया था नेल पेंट, मुझे ग्रीन, मुझे एक्चुअली डार्क कलर पसंद है तो मैंने वही चूज़ किया था। लोग देख सकते हैं ये कितना सुंदर लग रहा है फ्रेंड्स, ये लग रहा है फ्रेंड्स ये फेक नेल्स हैं, लग रहा है बिल्कुल नेचुरल है फ्रेंड्स। अगर आप लोग भी ऐसे रखना चाहें अपने लिए 4-5 घंटे के लिए तो फ्रेंड्स आप भी इसे बाय कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये एक्चुअली जितना ये फ़ोन में देखने में नहीं लग रहा है फ्रेंड्स, उससे 1000 गुना ज़्यादा ये सामने से अच्छा लग रहा था फ्रेंड्स। लिटरली फ्रेंड्स ये बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत। आप लोग देख सकते हैं और मुझे देखना भी था फ्रेंड्स कि ये पानी वानी में कहीं हाथ देने से नेल्स जो है निकल तो नहीं जाएंगे, इसीलिए मैं श्योर होना चाहती थी फ्रेंड्स, इसीलिए मैं पानी में हाथ दे रही हूँ। पर मैंने, जैसे कि देख सकते हैं आप लोग, मैंने पानी का प्रेशर और बढ़ा दिया, मैं देखना चाहती थी आखिर क्या होता है, पर फ्रेंड्स कुछ भी नहीं हुआ, नेल्स जैसा था वैसे ही स्टिक हुआ रहा फ्रेंड्स, बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ। आप लोग क्लियरली देख सकते हैं फ्रेंड्स, और ये मैं दिखा देती हूँ आप लोग को, मेरे नेल्स जैसे थे वैसे ही हैं। अगर आप लोग भी चाहे तो इसे इजीली बाय कर सकते हैं फ्रेंड्स, अगर आप लोग 5-6 घंटे के लिए नेल्स चाहते हैं अपने हाथों में तो प्लीज़ इसे बाय करिए, मैं आप लोग को रेकमेंड करती हूँ।